जय श्री राम। तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाएंगे प्रभु श्री रामचंद्र जी का बहुत ही सुंदर सा ड्राइंग। वो भी हम बनाएंगे उन्हीं के नाम की मदद से, राम नाम की मदद से। देखिए, राम नाम से तो पत्थर भी तरते हैं, तो उनका ड्राइंग बनाना क्या मुश्किल है। देखिए, राम नाम को हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। देखिए, इस तरह से लिखेंगे, पहले हम रा लिखेंगे कुछ इस तरह से। ध्यान से देखिएगा, पहले आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से हमने रा शब्द को लिख दिया। अब इसी के नीचे थोड़ा सा साइड में हमें म लिखना है। देखिए, कुछ इस तरह से वो म हमें लिखना है, बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही ये वर्ड्स हमें लिखने हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सुंदर सा मनमोहक सा ये ड्राइंग बनने वाला है। देखिए, राम वर्ड हमने इस तरह से लिख दिया, पेंसिल का काम हो गया, बुलाते हैं मार्कर को। अब देखिएगा, जो जो हिस्सा हमें चाहिए वो हम आउटलाइन करेंगे सुंदर तरीके से। इस तरह से राम जी का, प्रभु श्री राम जी का चेहरा हम बनाएंगे, ये उनके बाल हम इस तरह से बनाएंगे बहुत ही सुंदर तरीके से। एक योद्धा है प्रभु श्री राम जी, देखिए इस तरह से योद्धा की पोजीशन में हम उनको दिखाएंगे। और जो रा की ये डंडी है, उसी में से उनका हाथ बनाएंगे। और जो धनुष बाण उन्होंने पकड़ा हुआ है, उसका हम बाण भी दिखाएंगे। उन्होंने खींचा हुआ है, ताना हुआ है, कुछ इस तरह से ड्राइंग होगा। पोजीशन में खड़े हैं, देखिए इस तरह से उनके हाथों में कुछ गहने वगैरह, ये उनके बाजुओं पर रुद्राक्ष मालाएं वगैरह हम बनाएंगे। देखिए, इस तरह से उनका चेहरा उस साइड में मुड़ा हुआ है, या उनके चेहरे के ऊपर, बालों के ऊपर एक जूड़ा बनाएंगे। देखिए, इस तरह से उनका चेहरा थोड़ा सा ही हमें दिखेगा, उस साइड पर उनका चेहरा मुड़ा हुआ है। देखिए, इस तरह से उनके कानों का कुंडल वगैरह, ये उनके बाल एक बार काले कर लेंगे। माँ को इस तरह से ड्रॉ करेंगे, देखिए, ताकि जो बाण रखने का जो भत्ता वगैरह होता है पीछे, वो बने, उनकी कमर बने इस तरह से। अब इसी को हम नीचे लेंगे, उनके पैर वगैरह बनाएंगे, उनकी धोती बन जाएगी। देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही मेहनत से आपके लिए बनाया है आपके ड्राइंग टीचर सूरज ने। आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे ड्राइंग टीचर सूरज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि डेली हमारी मुलाकात हो सके। देखिए, इस तरह से उनके कपड़े बन गए, धोती बन गई। यहाँ पे बनाएंगे हम बाण रखने के लिए जो भाता वगैरह होता है वो बनाएंगे, उसमें हम कुछ बाण बनाएंगे। देखिए, बाण कितने आसानी से बनते हैं, जिगजैग लाइन से हमें ड्रॉ करनी है, नीचे ऊपर, बाद में खड़ी लाइन से इसे जोड़ देंगे। नीचे बाण दिखाएंगे, ये उस पर कंटेनर पर भी कुछ रेशाएँ लाइन्स वगैरह हम बनाएंगे। देखिएगा, यहाँ से उनकी छाती वगैरह इस तरह से बनाएंगे, उनका जनेऊ वगैरह। बहुत ही सुंदर सा मनमोहक सा ड्राइंग होने वाला है। यहाँ पे बाण को हम आगे बढ़ाएंगे इस तरह से, पहले बाण बना लेंगे। अब इसी को देखते हुए हम धनुष बनाएंगे, देखिए कमान बनाएंगे कुछ इस तरह से। बस तीन का ही आंकड़ा हमें कुछ इस तरह से बनाना है, थोड़ा सा आकार में, तो हमारा कमान बन जाएगी। देखिए, धनुष बन जाएगा। इसी को डबल लाइन करेंगे तो और भी ये सुंदर दिखेगा। देखिए कितने आसानी से, अब एक हाथ में उन्होंने धनुष पकड़ा है और एक हाथ से तीर को खींच रहे हैं, इस तरह से ये ड्राइंग है। देखिए, ये उसकी जो रस्सी वगैरह होती है वो बनाएंगे, कुछ इस तरह से वो लाइन आएगी। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से ड्राइंग्स आपके ड्राइंग टीचर सूरज आपके लिए डेली लाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि डेली हमारी मुलाकात हो सके। देखिए, इस तरह से उनका दूसरा हाथ आएगा, इस हाथ में उन्होंने कमान पकड़ी है, देखिए बिल्कुल मजबूती से इस तरह से ऊपर की ओर, शायद किसी चीज़ पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, राम वर्ड की मदद से प्रभु श्री रामचंद्र जी का बहुत ही सुंदर सा ड्राइंग हमने बना दिया। अब सुंदर तरीके से इस ड्राइंग को हम कलर करेंगे। आप भी शांति से आराम से बनाइएगा, प्रभु राम जी का ड्राइंग है, आप भी कृपा पाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी कृपा पाने का मौका दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय।